हेलो एवरीवन, समस्त स्वागत। आज आम डिस्कसन करवा डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल, जोटा कि तुम ओटीईटी पेपर टू सिलेबस रही इंग्लिश पेडागोजी पार्ट रे। तो भल भाव या बुझ जदि किसी डाउट रोज तेज सांगे सांगे मतलब कमेंट सेक्शन में जनइब, कहीं चारिटा जो स्किल रही तुम डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल आ भितर चारिटा स्किल आसूची। तो से तुम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल रही। तो से चारिटा स्किल निहाती भाव में इंपोर्टेंट, सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू निहाती क्वेश्चन आसीबो, तो भल भाव में बुझ। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को आम कही LSRW। तो यहाँ क्रम अनुसार पिला भितर डेवलप होता है। लिसनिंग आउ स्पीकिंग गोटे फाउंडेसन या रीडिंग आउ राइटिंग को यहाँ आम अलरेडी पढ़ी सारी। आउ कौन पढ़ी ना लिसनिंगटा हूँ रिसेप्टिव स्किल, आउ स्पीकिंगटा हूँ प्रोडक्टिव। तो सेमती रीडिंगटा कौन हम निजे कह, रीडिंगटा हम रिसेप्टिव, आम रीड करके किसी इनफर्मेसन गेन करुचु, किसी तो बाहर करूँ कि पढ़ी आम इनफर्मेसन नौ। तो यहाँ हम रिसेप्टिव, तो कौटा रिसेप्टिव कौटा प्रोडक्टिव मन रखिए सीटा क्वेश्चन आसे। तो ब्रीफली देखा डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल कौन, केमी पिला भितर आम स्किलटा डेवलप करें, कौन कौन एक्टिविटीज करवा, यह सब विषय आम डिस्कसन करवा। तो लांगुएज रोटे कंटाक्ट आम कमी आसी था, गोटे लांगुएज आम कंटाक्ट कमी आसी था, जो आम शुणु आउ कि पढ़ुचु लांगुएज आम कंटाक्ट आसलु, कितु लांगुएज को यूज आम के करूँ ना जो आम लांगुएज को कहूँ आउ से लांगुएज जदि आम किसी लिखुचु। मन रख लांगुएज कंटाक्ट आम कमी आसवा, जो आम से लांगुएज को देखी दौचु कौन सी जगह किसी लेखाई आम पढ़ी दौचु किए कि कहूँ से भाषा आम शुणु। तो कंटाक्ट आम आसलू कि यूज करूना, यूज आम के करूँ जो निजे से भाषा को कहूँ निजे से भाषा आम किसी लिखुचु। क्लीअर है? तो रीडिंग प्रोभाइड मोर एक्सपोजर टू द लांगुएज देन द अदर स्किल। तो रीडिंगटा आमको बेसी एक्सपोजर दे था, बेसी एक्सपोजर दे थाए कहार मानने कारण कौन ना, देख आम जी मात्र इंग्लीश को शुणुना, आम पाखे कहीं कहूना इंग्लीश, आम घर कहूना, स्कूल में कहूना, सांगसाथी मान पाखे आम इंग्लीश को कथबार्ता होना, तो आम बेसी शुणी पारना, कितु आम सब पढ़ुचु इंग्लीश को। जदि आम स्कूल जाऊँ रास्त गोटे बैनर माराई तो इंग्लीश में लिखाई, मेडिसिन खाऊ मेडिसिन पछुआड़े डोजेस सब इंग्लीश लिखाई, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, कौन डोजेस रही सब लिखाई, मसला किणुचु मसला पछाड़े तार इनग्रीडियंट सब इंग्लीश लिखाई, विभिन्न प्रकार जगार मानने सब बड़े आम इंग्लीश रो यूज देखुचु, मैंने इंग्लीश को आम पढ़ी पारुचु किंतु आम शुणी न था बेसी, लिखी न था बेसी, कही मध्य न था बेसी, किंतु सबुठ अधिक एक्सपोजर कोई स्किलटा दे था, रीडिंग स्किलटा दे था। निजे भाविकी देखिए कौटा अधिक तुमको एक्सपोजर दूसरी रीडिंग स्किलटा, कहीं आम अनेक जगार इंग्लीश को पढ़ुचु। वी गेन मोर इनफर्मेसन थ्रू रीडिंग, तो से जेहेतु बेसी एक्सपोजर आमको रीडिंग स्किलटा दौर से रीडिंग मध्यम आम अधिका इनफर्मेसन गेन करेंगे। गोटे क्वेश्चन हो पार कौ स्किलटा आमको अधिका एक्सपोजर दौर, तो कौ स्किल मध्यम आम अधिका इनफर्मेसन पाऊ, तो रीडिंग स्किल सब मन रखे निजे मैंने भाव देख तुम्हें जापर आम बेसी कथा कहूनु, बेसी शुणुना, बेसी लिखुना, कितु बेसी पढ़ुचु कौटना कौटी आम पढ़ु, खाली पढ़िया मैंने बही धरिक पढ़िया नुह, सबुआड़े जो भी तुम आखि पढ़ देख इंग्लीश हिं किसी लिखाई थो। तो ऑल्सो इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द अदर लैंग्वेज स्किल, तो रीडिंगटा आउ जो रही लैंग्वेज स्किल जोड़ा कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एगुड़ा जो रही से सब जिन डेवलप करवाज्य करें। थ्रो रीडिंग वन एक्वायर्स वेरियस एस्पेक्ट अफ लांगुएज सर्टेज ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, तो राइटिंग, इवेन स्पीच स्किल अल्सो। तो रीडिंग करिबा द्वारा माने रीडिंग स्किलटा आमर आउ कौन कौन डेवलप करें, ग्रामर आम बुझे साए, वोकैबुलरी स्पेलिंग ठीक करिवारे साहाज्य करथाय, प्रोनाउंसिएशन आम केमती ठीक करिबा, राइटिंग इवेन स्पीच स्किल अल्सो आम केमती कथा भलरे कहि पारिबा, प्रोनाउंसिएशन ठीक रहिबो, स्पेलिंग ठीक रहिबो, तो आम भल भाव कथा कही पार। तो ये सब जिन गुड़ा रीडिंग द्वारा डेवलप होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देख नेचर एंड मीनिंग ऑफ रीडिंग, रीडिंग इज ए कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल। तो ये समस्त जानचो कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल आम जब पढ़ुचु आम बुझी बुझी किसी जिनस को पढ़ुचु, तो ये गोटे कॉग्निटिव स्किल व्हिच एम्प्लॉय एन एक्टिविटी ऑफ डिकोडिंग व्हिच डिकोडिंग व्हिच द राइटर हैज एनकोडेड इन द टेक्स्ट। तो ये कौन कराई ना कोड डिकोड माध्यम रे आम ये जिनस को बुझी था। रीडिंग रे कौन हो आम कि डिकोड कर, डिकोड मान कि मानते पाई कि सेट करोटा कि आम
राइटर जी आम जहाँ पढ़ुचु से कहीं ना कहीं तो लेखिंट तो सी जो लेखिंट जहाँ जो मेसेजटा को सी एनकोड कर मेसेजटे जो जिनस आमको बुझेवाक चेष्टा कर पढ़ा द्वारा कौन करता से ही इनफर्मेसन को आम आम माइंड सहित डिकोड कर मैंने सेट करदी सेट हो गला आम कथ को बुझीपारी था बुझेगा जो जिन बुझी पार तो एनकोड सहित आम डिकोडटा ठीक भाव में है ना तो सी जो इनफर्मेसन देवा चाहती जहाँ सी कही से लेखा मध्यम आम ब्रेनटा कौन कर डिकोड कर कि जिनस नहीं कि मेसेजटा को आम से मिनिंग बाहर कर डिकोड कर अर्थ कौन आम किसी पाइलु इनफर्मेसन आम मीनिंग केमती आम बाहर करवा मीनिंग आम बुझीपू कि ना जब डिकोड सहित मैंने एनकोड डिकोड फिट हो गला मैंने पूरा पूरी सेट हो गला तेज आम जा बुझीपर जिनस को तो से कथा कहुई लेखक जहाँ कही आम रिडिंग मध्यम बुझाक चेस्टा करूँ एक लिखा जाए इन अदर वर्ड्स रिडिंग इनवल्वस ए प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द ग्राफिक सिंबल ऑफ ए टेक्स्ट तो रिडिंग रे कौन होता है ना जो टेक्स्ट रो ग्राफिक सिंबल तो सब लेटर गुड़ाक कथा कह सब वर्ड कथा कह तो ग्राफिक सिंबल गुड़ाक आम बुझापी चेष्टा कराणी चेष्टा कर तो खाली तो आउ रीड करदे ए बी सी डी जेहतु आम शिखीचु खाली आम जहाँ बेले पढ़ीदे सेमती तो हमने से तो पढ़ा कहनी आम जी पढ़ुचु सहित किसी बुझुचु ताको आम रेकग्नइज करुचु विषय किसी जापरचु से इनफर्मेसन को आम कलेक्ट करूँ कौन लिखा जाइए तो सहीटा हूँ एक्चुअली रिडिंग तो रेकग्नइजिंग द ग्राफिक सिंबल ऑफ द टेक्स्ट बुझिपाल परसिविंग द मीनिंगफुल चंक ऑफ वर्ड्स इन इन इट एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द सेम तो तार माने आम बुझा तार फ्रेज गुड़ा जो अधा जो सेंटेंस रे कमा देखिए लिखा जाइव तो अधा खांडिया सेंटेंस को बुझीपर जोड़ा कि आम वाक्यांश कौ वाक्यांश को बुझीपर कॉम्प्रिहेंड मैंने तार माने आम जापर कॉम्प्रिहेंड करवा तो ये सब जिन गुड़ाक पढ़ा द्वारा डेवलप होता है जदि यू जिन आम करूना खाली रीड करदे तो सीटा पढ़ा भितर जीव ना तो रीडिंग करने द्वारा कौन कौन होता है आम ग्रामार वोकाबुलरी एसबू जिन जाणी था स्पेलींग आम ठीक होता है प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है ता सहित कौन होता है आम रीडिंग कलु बोली केमती जानवा मीनिंग ऑफ रीडिंग कौन ना केवल खाली पढ़ीदे लेटर गुड़ाक हम ना आम पढ़ा सहित रेकग्नइज करवा से वार्ड को जो लेखक जहाँ से लिखिं जहाँ दे इनफर्मेसन आम डिकोड करवा ब्रेन सहित आम किसी बुझापी चेस्टा करवा से ग्राफिक सिंबल गुड़ाक तार मीनिंग को आम परसीव करवा मैंने कौन तर मीनिंग हो सब गुड़ा तो आम बुझीपरानी कौन तर मीनिंग होती आइडिया लगे बुझा कम्प्रिहेड करवा यह सब जिन गुड़ा जब आम करूँ तो आम रीडिंग बोली कह बुझेगा तो तापर देख ओराल रीडिंग वर्सेस साइलेंट रीडिंग तो आम जान लु रीडिंगटा कौन तो ये देखा ओराल रीडिंग कौन आउ साइलेंट रीडिंग कौन ओराल रीडिंग माने तुम बुझी पारुथुबो जेटा कि आमको शुभुथुबो सुना जाउथु ऑडिबल हेथुबो कथा बाहरुची पाटी ओराल माने पाटी पाटी आम कि कथा पाटी खोल के किसी कहुथुबो तो आक्षरिक अर्थ बुझापी चेष्टा कर भूल हम ना आउ साइलेंट रीडिंग कौन किसी कथ आम कहून सैलेंटली पढ़ुवा तुम्हें निजे भी मार्क कर देखो से छोट पिला बेले साइलेंट रीडिंग करते ना बड़ जोरे ओ आ हर से देखिए एमती कौन कितु जो तुम बड़ हो तुम एवं जो गोटे बही पढ़ु क्या जोर पढ़ु कि पढ़ु नौ तो सीटा हो साइलेंट रीडिंग रीडिंग हेज टू फर्म ओराल रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग रीडिंग ए टेक्स्ट विथ ऑडिबल साउंड इज कॉल्ड ओराल रीडिंग तो यहाँ मन रखिए सब पिला कन्फ्यूज हाँ रीडिंग ए टेक्स्ट विथ ऑडिबल साउंड बट नॉट लाउड यहाँ मन रखिए ऑडिबल साउंड इज कॉल्ड ओराल रीडिंग धर मु गोटे बही पढ़ुची मुझे एवं जो मुझे कथा कहूँ मो कथा ऑडिबल हो तो ऑडिबल रीडिंगटा को आम कह ओराल रीडिंग और रीडिंग एलाउड रीडिंग एलाउड जोटा लाउड रीडिंग सेटा नुहे से मन रख एलाउड मैंने केवल ऑडिबल मो कथा तुम्हें शुनि पार तुमको भल लगे दरकार बहुत जोर चिले चिले जे कथा गुड़ा कहते एलाउड नुह से केवल लाउड मन रख तो रीडिंग ए टेक्स्ट विथ ऑडिबल साउंड इज कॉल्ड ओराल रीडिंग और रीडिंग एलाउड तो अधिकांश पिला भावे रीडिंग एलाउड मैंने से ओराल रीडिंग नुहे से मानने बहुत जोर पढ़ाटा भावे तो यहाँ मन रख लिखी ब्रैकेट रे इट रिक्वायर्स द लर्नर लर्नर और रीडर टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ द लैंग्वेज करेक्टली यूजिंग प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन तो जो ओराल रीडिंग रे कौन दरकार हुए ना प्रॉपर स्ट्रेस आउ इंटोनेशन देकी रीडर को पढ़ाक होता है ना
कौन मुझ पढ़ुची मुझे जी कमा फुलस्टप किसी न देखी मैंने सब गुड़ाक एक थर पढ़ीजी तो मैंने किसी हेनी कौ वार्डटा क्या सहित जाकि जोड़ी कि आम बुझीपर नहीं टी रही रही कि चंक दबा कि कमा जगार टी निश्वास ना टी रहा फुलस्टप जगार टी रहा एमती कले कौन हम ना वाक्यांश कौटा वाक्य कौटा क्या सहित कह लिंक अच्छे आम से सब जिन गुड़ाक जापर तो ओराल रिडिंग सेटा हवा निहत भाव में जरूरी नले पूरा जो जो जन स्टोरी कहते हैं पोएम भाया ही लगे पूरा गाई से एका थे तो से भल लगे से शुणापी मतलब श्रुति मधुर हो न था तो ओराल रिडिंग में कौन कौन रहा जरूरी यहाँ मैं इंपोर्टेंट गोटे क्वेश्चन ही थपे तो देख इंटोनेसन रंक रिच भयस मैंने कौन जो देख गोटे जो स्टोरी कहूँ गोटे एक्जामपल दौर जो देख स्टोरी कहूँ बाघटे आसला तो देख जे जो भल स्टोरी टेलर था भयस्र मैंने भयसटा चेंज हो बाघटे आसला जो बड़े गोटे लोक मैंने भयभीत है दौड़ी पड़ेगा ये सब जो देख गोटे सीन से कहतर मैंने भयसटा मैं से अनुसार चेंज हो जाए सीटा को कहुई राइज एंड फॉल इन पिच ऑफ वॉइस केत जोर कहे के लास्ट कहे से इनसीडेंट अनुसार तो से गुड़ा ओराल रिडिंग रहा जरूरी जहाँफल कि स्मृति मधुर हम ता सहित आम ठीक भाव में बुझीपर जापर एक्चुअल जिनसा कौन कह तो ये सब जिन रही देख साइलेंट रीडिंग इज गोइंग थ्रू द टेक्स्ट विदाउट प्रोनाउंसिंग वर्ड आइदर लाउडली सॉरी आइदर ऑडिबली और मेंटली तो ये कौन कहा साइलेंट रीडिंगटा कितना ओराल रीडिंग अलटा साइलेंट रीडिंग आम के प्रोनाउंसिएशन करानी मैंने मेंटली भी पार्टीटा बंद करके भी मेंटली प्रोनाउंसिएशन जो करूँ पार्टी बंद कर दूचु कितु जदि आम कहू कौन बॉय भितर मन मन कौ बी ओ वाई मन मन कौ तो सैटा साइलेंट रीडिंग हम ना साइलेंट रीडिंग टोटाली आम प्रोनाउंसिएशन करवा ना ऑडिबल भी करवा ना मेंटली भी करवा ना केवल आम देखा आखि देख आम ऑटोमेटिकली पढ़ी पढ़ी जावा जो कि आम एक्सपर्ट हो जाऊ जो बड़ हो जाऊ व्हाइल रीडिंग अलाउड आवर अटेंशन इज डाइवर्टेड इन टू डायरेक्शंस तो जत बड़े आमे माने टिके जोरे पढ़ुचु माने आम भयसटा ऑडिबल होउची ओराल रीडिंग जत बड़े आमे करुचु तो सेत बड़े कोन हेते ना दुईटा डायरेक्शन रे आमे दुईटा दिगरे आमे पढ़ी थाउ तो दुईटा दिग कहिबार अर्थ कोन ना सेही ओराल रीडिंग रे आमर प्रोनाउंसिएशन मध्ये रही थाए ता सहित आमे जिनसटा कि बुझु कोन लेखा हेजी कॉम्प्रिहेंशन मध्ये करि थाउ जत बड़े आमे छान थाउ थोर तृतीय चतुर्थ श्रेणी रे पढ़ु थाउ तो जहाँ आमे कहुचु जहाँ पढ़ुचु जहाँ लेखा हेजी गोटे गप आम कौन बुझीपार नहीं बुझीपु कि आम भयसटा टी जोरे थाए ऑडिबल थाए तो आम जोरे पढ़ुचु टी जोरे पढ़ुचु आउ तार माने बुझुचु तो ये कौटे होता है ना ओराल रीडिंग रे होता है किंतु साइलेंट रीडिंग रे कौन होता है ना से प्रोनाउंसिएशन हम ना ये स्ट्रिक्टली मन रखे क्वेश्चन आसे प्रोनाउंसिएशन से हमें केवल कॉम्प्रिहेंशन हम आम बहीटा को देख देखे ऑटोमेटिक पढ़ा आउ बुझी बुझिकी जावा केवल कॉम्प्रिहेंशन हम कि प्रोनाउंसिएशन हम ना साइलेंट रीडिंग इज द एक्चुअल रीडिंग इन रियल लाइफ साइलेंट रीडिंगटा हूँ एक्चुअल रीडिंग एक्चुअली जे मन दे कि पढ़ु थोड़ा किसी जिनस बुझु थो तो सेटा केवल साइलेंट रीडिंग हिंपर एक कहुई रियल लाइफ रीडिंग हूँ साइलेंट रीडिंग यहाँ गोटे क्वेश्चन हो पाए रीडिंग इन मोस्ट ऑफ आवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स हेज बीन द ओराल रीडिंग तो मोटे कहली प्राइमरी स्टेज रे सान बेले आम कौन ओराल रीडिंग पढ़ी मैंने आम भयसटा ऑडिबल होता है टी जोर आम पढ़ी था कितना आस्ते आस्ते जो बड़ हो रियल लाइफ प्रकृत रीडिंगटा कौन ना साइलेंट रीडिंग जितने बापा न्यूज पेपर पढ़ु था बड़ जोर पढ़ु था कि पढ़ु ना कि पूरा भिविडली से पढ़ु था और सब इनफर्मेसन को सी कलेक्ट करते तो से कथा कहुच्छे रियल लाइफ रीडिंग हूँ साइलेंट रीडिंग आम देखा पर्पज ऑफ रीडिंग रीडिंग उद्देश्य कौन आम जो एमती वे पढ़िलु आम प्रथम जानलु रीडिंगटा कौन मीनिंग ऑफ रीडिंग केत प्रकार रीडिंग आम रही तो आम देखा जो विभिन्न प्रकार रीडिंग रही तार उद्देश्य कौन आम कहीं पढ़ा वी मे रीड फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड कॉम्प्रिहेंशन आम पढ़ुचु कौपाई ना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आमर हम इंग्लीश प्रोनाउंसिएशन गुड़ाक आम उच्चारण गुड़ाक ठीक से करा सहित जहाँ लेखाही आम बुझीपर इन क्लासरूम ओराल रीडिंग एम्स एट प्रॉपर प्रैक्टिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट इन इट्स वर्बल फॉर्म तो क्लासरूम रे टीचर कौन करवा जरूरी ना ओराल रीडिंग जो पिला करो तार गोटे उद्देश्य रहा दरकार कि प्रॉपर प्रैक्टिस केमती से पाने प्रॉपर प्रैक्टिस माने बारंबार से पढ़ी पारे पढ़ार केमती प्रैक्टिस हो पार एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट से
कहिबे, से भाषा रे किछि कहिबे, किछि उच्चारण करिबे, तो सेमाने केमिति भल भाबरे करि परिबे, सेमानकर प्रैक्टिस केमिति सेथिरे रहइबो, सेइति पय आमे विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज करिबा जरूरी। साइलेंट रीडिंग एम्फासिस मीनिंग रेदर देन साउंड। तो साइलेंट रीडिंग रे आमे केवल मीनिंग को बुझी थाउ, कॉम्प्रिहेंशन करि थाउ, माने कॉम्प्रिहेंड करि थाउ केमिति आमे कोन जहा लेखा आछि ताको आमे बुझी परिबा। किंतु ओरल रीडिंग रे कोन हे थे, व्हाइल रीडिंग अलाउड ए रीडर्स अटेंशन इज ऑन प्रोनाउंसिएशन। किंतु जितेबाला आमे टिके जोरे पढ़ी थाउ सेतबेले अटेंशन रहिबा दरकार प्रोनाउंसिएशन रे, आमे प्रोनाउंसिएशन ठीक से करुचु कि नाही, उच्चारण ठीक से करुचु कि नाही, तो ताउपरे अधिका ध्यान दिया जाए। कहीं आम जब उच्चारण ठीक से करुचु तेब सामना बला लोक ठीक भाव में बुझीपर आम जब जो उच्चारण जमी हवा कथा से न कह कि अलग भाया उच्चारण करुचु तो सामना बला माने बुझीपर ना। तो ये तुम गोटे जिनस मन रख कि ओराल रिडिंग में आम प्रोनाउंसिएशन सहित कॉम्प्रिहेंशन को एम्फासीस दे था, किंतु साइलेंट रीडिंग रे केवल कॉम्प्रिहेंशन टाक एम्फासीस दि जाए। हाउ एवर सी और ही गेट सम मीनिंग आउट ऑफ द टेक्स्ट बट नॉट एज मच एज वन डज इन रीडिंग साइलेंटली। तो ये कहुई अलाउड रीडिंग रे जो ओराल रीडिंग रे कौन होता है, तो ये जड़े प्रोनाउंसिएशन उपरे अधिका ध्यान दे था, ता सहित टेक्स्ट रु माने जहाँ लिखा जाए मीनिंग माने आनी थाए, माने बुझी थाए से किसी जिनस कॉम्प्रिहेंशन रही था जो कहली। किंतु साइलेंट रीडिंग रे ओनली कॉम्प्रिहेंशन पिला करी थांती, केवल मानटा को बुझी थांती। तापर देखिबा टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, केते प्रकार आम टेक्स्ट रही, तो दुई प्रकार टेक्स्ट रही देखो, लाइट टेक्स्ट और नॉन डिटेल टेक्स्ट। माने लाइट टेक्स्ट को आम नॉन डिटेल टेक्स्ट कही था, आ गोटे रही हेवी टेक्स्ट जहाँटा को आम कही था डेन्स टेक्स्ट। मन रख टाइप ऑफ टेक्स्ट आम दुई प्रकार टेक्स्ट रही, गोटे हूँ लाइट टेक्स्ट आ गोटे हूँ हेवी टेक्स्ट। लाइट टेक्स्ट को आम कौ नॉन डिटेल टेक्स्ट, हेवी टेक्स्ट को कौ डेन्स टेक्स्ट। मैं बुझे दूसरी कौन, तो देख आम जो गोटे स्टोरी पढ़ी था कि गोटे एसे पढ़ी था से सेंटेन्स गुड़ाक सिंपल सेंटेन्स थाए, इंटरेस्टिंग लगे आमको, तो वर्ड गुड़ाक आम इजिली बुझी पारू, तो सब्जेक्ट जोड़ा से मैंने थाए से जो थीम थाए स्टोरी आम से इजिली बुझी पारू, तो यही सब जिनस गुड़ापाई आम कही था लाइट टेक्स्ट। तो स्टोरी आउ एसे गुड़ाक लाइट टेक्स्ट लिखा जाए। कहीं लाइट टेक्स्ट बोले आम कौ ना सीटा सिंपल सेंटेन्स थाए, आम बुझीपु लांगुएज जो यूज होती जापार वर्ड जो व्यवहार होता आम इजिली बुझीपु जापार आम से इंटरेस्टेड हो जिन पढ़ापी, तो यह सब जिनस गुड़ा जब रोचे तेज आम कह लाइट टेक्स्ट। किंतु हेवी टेक्स्ट कौन ना हेवी टेक्स्ट जो वर्ड व्यवहार कराए आम इजिली बुझीपुना, अनफेमिलियर वोकाबुलरी थाए, कम्प्लेक्स सेंटेन्स यूज कराए, तो यही सब जिनस गुड़ाक जदि गोटे टेक्स्ट भितर रोचे तो आम कह हेवी टेक्स्ट। देखिए गोटे गोटे बही थाए फॉरेन ऑथर बही आम इंग्लीश जिते बुझीते भी जिते आम नॉलेज होते भी गोटे गोटे वर्ड एमती आसो आम बुझीपुर ना, आज से थीमटा जो थाए हेवी टेक्स्ट जो थे लिखाई थाए से थीमटा आम से थीम सहित अनफेमिलियर था आम एत इजिली से थीम को बुझीपुना, केवल आईडिया लगे आम जिनटा को जापर किसी नलेज आम गेन करूँ, तो बुझीगला। तो से कथा ये लिखा जा We label a text considering structure, content and style. Structure contains the text organization or arrangement, sentence construction, language uses जोटा कि कहली जो आम गोटे टेक्स्ट को ना दौ लाइट टेक्स्ट दौ कि हेवी टेक्स्ट दौ केतबाला कि गोटे टेक्स्ट स्ट्रक्चर कंटेन्ट स्टाइल ये सब जिनस गुड़ाक आम बुझीपु इजिली आउ आम इंटरेस्टेड हो सब जिन जानापी आम क्यूरियोसिटी बढ़ुची आम फेमिलियर रोचु वोकाबुलरी सहित इजिली थीम को बुझीपु, तो से कह लाइट टेक्स्ट। आज जितेबाला कि सब जिन हम ना आम जापर ना वोकाबुलरी सहित फेमिलियर रही ना कम्प्लेक्स सेन्टेन्स यूज होता आम कह हेवी टेक्स्ट बा डेन्स टेक्स्ट टी मन रख। नेक्स्ट देख सब स्किल ऑफ रीडिंग, कौन सब स्किल रही रीडिंग एक्सट्रैक्टिंग मेन आइडियाज जितेबाला आम पढ़ुचु कौन कौन सब स्किल पिला भितर डेवलप हो पार, तो एक्सट्रैक्टिंग मेन आइडिया जदि गोटे बही गोटे पिला पढ़ुची बा गोटे पाराग्राफ पढ़ुची तार मेन आइडियाटा को पिला बुझीपर से कौन लिखा जाए तार थीम कौन से बुझीपर से ही जिनसटा आम माइंड रखिक एक्टिविटीज करवा। नेक्स्ट देख रीडिंग फर स्पेसीफिक इनफर्मेसन, कौन गोटे स्पेसीफिक इनफर्मेसन रही सी जापर ताक सी बुझीपर जमी न्यूज पेपर आम पढ़ुचु तो गोटे किसी इनफर्मेसन रही
से जिनसा को पिला जापर एम नुह कि खाली रीड कर तो रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इनफॉरमेशन ये पिला भाई डेवलप हे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टेक्स्ट जो रही लाइट टेक्स्ट हो इजी टेक्स्ट हो कमी स्टाइल लिखाई कौन वोकैबुलरी रही तो टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन से भल भाव बुझीपर कमी लैंग्वेज लिखाई तो प्रेडिक्शन बा प्रेडिक्टिंग जो धर आम गोटे गप पढ़ु गप स्टार्टिंग जो आम करूँ मझीरे पहुँची जाऊँ से आम एंड रे कौन हम आम आईडिया लगे दूचु प्रेडिक्ट करदेचु तो ये आईडियाटा पिला भितर जाग्रत होगा जरूरी सब स्किल गोटे रिडिंग रहा रही जितेबाला आम गोटे जिनस किसी पढ़ुचु किसी समय पढ़ी सारापर आम फ्यूचर में कौन हम से आईडिया लगे पार्थ्वा जरूरी चेकिंग कम्प्रिहेनसन तो पिला बुझीपार कि ना मुझे गोटे जिनस पढ़ुची गोटे पाराग्राफ अलरेडी पढ़ी सारे आउ गोटे पाराग्राफ पढ़ला बेलू मुझे भाविया दरकार कि पूर्व पाराग्राफ्रे जहाँ पढ़ले बुझी कि ना कौन तार माने तो यू जिन गुड़ा पिला बुझी बुझी पढ़ा जरूरी लिंकिंग आइडियाज फास्ट पाराग्राफ सहित तो सेकेंड पाराग्राफ्र कौन लिंक रोचे लिंक कर देखो आम गोटे जिनस न बुझीपारे भी लिंक करें मैंने थीमटा को जानापी चेषा कर था हाँ मे भी आर मान ये जेहेतु पूर्वर यह विषय लेखाई तो मे भी आर मान ये होमती करके आम किसी जिन बुझी पार्छ आम एनवायरमेंट जहाँ चलुच्छे आम लिंक करके किसी आईडिया गेन करूँ तो यही सब जिनस गुड़ाक रहा निहाती भाव में जरूरी तो सॉफ्ट स्किल कौन कौन है एक्सट्रैक्टिंग मेन आइडियाज रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इनफॉरमेशन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रेडिक्शन लगे पार पा चेकिंग कम्प्रिहेनसन बुझीपार ना जापर लिंकिंग आइडियाज जो एनवायरमेंट जो सब घटना घटू तार आइडिया अच्छी से सब जिनस को सी पढ़ला बेल टे आईडिया लगे कि पढ़ा जरूरी ता सहित जहाँ से पढ़ी पढ़ी जाऊँच फास्ट पाराग्राफ को सेकेंड पाराग्राफ सहित कौन लिंक अच्छी से आईडिया से लिंक कर पढ़ा जरूरी जहाँफल कि मैंने इजिली सी जिनसा बुझीपार तो यह सब जिनस गुड़ाक पिला भितर डेवलप हाँ निहाती भाव जरूरी जोड़ा कि आम सॉफ्ट स्किल ऑफ रीडिंग रही तो नेक्स्ट आम देखा तो देख रीडिंग स्ट्राटेजी रीडिंग स्ट्राटेजी कहार मानने कौन ना कौ वे कौ कौ प्रोसेस आम रीड कर पढ़ी था सब प्रकार पढ़ा सामान नुहे देखिए आम जो एग्जाम टाइम पाठ पढ़ी था पूरा पूरी मन देक पढ़ी था कि जो आम मैगजीन पढ़ुचु सेतु तो पूरा आउ मन देक पढ़ु न था कौन लिखाई पूरा लाइन बाय लाइन जान न था तो पढ़ार विभिन्न प्रकार प्रोसेस रही विभिन्न प्रकार स्ट्राटेजी रही तो आम जाना आज कि कौन स्ट्राटेजी रही रीडिंग तो स्कीमिंग स्कानिंग इंटेंसिव रीडिंग आउ एक्सटेंसिव रीडिंग जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट तुम एग्जाम रे यही चारिटा रु ही क्वेश्चन आसी थाए आउ थरे कहि दउछि देखो स्कीमिंग स्कानिंग इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग भल भाव को मन रखियो बेटर हे कि तुम्हें आर गोटे गोटे एग्जाम्पल मन रखिदेव जो थे कि तुम क्वेश्चन के भूल हम ना तो मुझे बुझे दूँ स्कीमिंग कौन ना जितेबले आम गोटे जिस्ट पाइबापी किसी जिनस पढ़ी था मेन आइडिया कौन रही गोटे पाराग्राफ्र गोटे बहर गोटे पेज्र तो केवल आम मेन आइडियाटा को एक्सट्राक्ट करवा जिस्ट को आम जाना से जो आम पढ़ुचु जो रीड करुच्छे कह स्कीमिंग मुझे एग्जाम्पल दूसरी तुम्हें बुझीपार देखो आम न्यूज पेपर पढ़ुचु न्यूज पेपर कौन आम लाइन बाय लाइन कौन लिखाई पूरा मन रखिकी बुझिकी पूरा भिभिले जमी एग्जाम जाकि लिखा लंग क्वेश्चन सेमती पढ़ुचु किमी पढ़ु न था तो न्यूज पेपर को कौन पर पढ़ा जाए ना तार जिस्टा कौन रही आज हेडलाइन कौन रही तार मान कौन रही सब जिन थीमटा को मैंने मेन आइडियाटा को आम जानापी केवल पढ़ी था जहाँफल कि कौन हुए ना आम पूरा भिविली न पढ़ी किसी सेन्टेन्स आम स्कीप कर दे था पूरा पूरी कहीं भी न्यूज पेपर को लाइन बाय लाइन गोटे गोटे अक्षर पढ़ती ना तो किसी जिन स्कीप कराए कहीं आम अलरेडी किसी पढ़ी सारापर तार हेडिंग देखी सारापर आम तार जिस्टा को जाणी नहीं था आमर आईडिया हाँ या भितर यहाँ लेखाई तो से रीडिंग को आम कह स्कीमिंग तुम्हें केवल मन रख कौन गोटे मेन आइडिया बा जिस्ट को जानापी कौ टाइप रीड करा जाए ना स्कीमिंग बुझीगला तो एथिरे किछि माने सेंटेंस को स्किप करा जाए तापर आम देखा स्कानिंग कौन तो आउ टे मुझे स्कीमिंग विषय तापर आम स्कानिंग को आसवा जमीक तुम क्वेश्चन भूल हम ना देख तो एथिरे कौन होता है गोटे क्विक लुक आम दे था जो जहाँ लिखा जाए जब पेजटा आम पढ़ुचु ए क्विक लुक एट द पेज आम शीघ्र शीघ्र पढ़ी था तो आउ कौन होता है ना गेटिंग द मेन थीम ये टर्म गुड़ाक मन रख मेन थीम को आम पाइबापी आम क्विक लुक दे था तो आउ कौन होता है ना स्पीडिली आम पढ़ी था रीडिंग स्पीडिली रीडर जी था आम मैंने जो पढ़ुचु इंटेनसनाली किसी जिनस को आम स्कीप करदे था बुझीगला तो यही चार जिनस तुम्हें मन रख य चार्टा टर्म
तुम्हारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ठीक हो जीवो। तापरे नेक्स्ट आम देखा स्कैनिंग। स्कैनिंग रे कौन होता है ना देखिबो आमे गोटे जिनस को स्कैन करू। स्कैनिंग वर्ड रु तुम्हें जानपर आम गोटे जिनस को स्कैन करुचु तो सेटा केमिति देखिबो जेते बेले आमे गोटे फोन बुक रु कहार नंबर को सर्च करुचु। फोन बुक रु नंबर सर्च करुचु माने सबु नंबर तो आमे बिबिले देखिबा नाही तो जो नंबर टा को आमे सर्च करुचु ता उपरे आखि रखिबा संगे संग संगे संग आमे गोटे लाइन को देखी ना आप गोटे लाइन को देखी ना एमती देखी देखी जोटा आम दरकार देखिए से जगह आम पहुँची जा। तो आम कौन करुचु ना आम स्कैन करुचु पूरा डिटेल सब जिन पढ़ू ना टिके टिके अन दिखे पलि जाऊँ आ जो पीस ऑफ इनफॉरमेशन आम दरकार ताकि जा रोचु तो सीटा रीडिंग केमी प्रकार रीडिंग हम ना स्कैनिंग हम स्कैनिंग बुझेगा स्किमिंग नुह। स्किमिंग रे केवल आम जिस्टा को जाना मेन आईडियाटा को जाना किंतु स्कैनिंग रे आम कौन जिन स्कैन करवा मानते कौन जिन खोजिकी पाइबा पीस ऑफ इनफॉरमेशन ये पाइबा ये जिस्ट नुह जिस्ट ये फोन बुक रे कौन पाइबा ये आम पीस ऑफ इनफॉरमेशन को सर्च करुचु बुझेगा तो यहाँ भी आम रैपिडली कर जिनस को आम इंटेंशनली स्किप किंतु डिफरेंसटा कौन रोज ना से आम मेन आइडिया को एक्सट्राक्ट करिस्ट को जाणी था किंतु एमें कौन गोटे पार्टिकुलर स्पेसिफिक इनफर्मेसन पीस ऑफ इनफर्मेसन को आम खोजी था बुझेगा। तो देखो आम टाइम टेबुल जो देखुचु कलेज स्कूल आज मैथ क्लास केत तो सांगे सांगे देखिए आम आखि पकई दे से जगार जा पहुँची जाऊ तो सहीटा गोटे हम स्कैनिंग। डिक्शनरी जो खोजुचु डिक्शनरीटा एत मोटा डिक्शनरी आम कौन ए रु जेड पर्यटन पढ़ुचु कि जोटा आम खोजुचु तो से जगार जा पहुँची जाऊ आगु कि जिनस को आम स्कीप करदे टेलीफोन डिक्शनरी टेलीफोन जो फोन बुक कथा कहली यू जिनस गुड़ाक आसीजी आम स्कैनिंग भितर भावुँ तुम बुझीपार डिफरेन्सटा कौन तापर देखा इंटेनसीव रिडिंग इंटेनसीव कथा कौटू आसुचु ना इंटेनसन रु जो पढ़ाटा को आम पूरा आम इंटेंशन देखिए पढ़ी था पूरा भल भाव पढ़ी था डीपली पढ़ी था तो ताकू आम कह इंटेनसीव रिडिंग जोटा कि आम एग्जाम आगु केयरफुली आम पढ़ा भिविडली पढ़ा लाइन बाय लाइन पढ़ा बुझेगा कौथिपाई पढ़ा ना किसी नॉलेज गेन करवाई किसी मानने आम एक्यूरेसी को आम डेवलप करने पूरा एक्जाक्ट जिनस को आम जाना एक्यूरेसी आम बढ़ नॉलेज गेन हम तो यू जिन गुड़ाक इंटेनसीव रिडिंग रे जोटा कि तुम्हें मन रखीदेव तार एग्जाम्पल कौन ना एग्जाम पूर्व जो आम पढ़ी जाइ पूरा डीपली पढ़ी था नॉलेज एग्जाम केमी लिख पूरा डीपली आम बुझी था ये बुझापी पढ़ा जाए नॉलेज गेन करने पढ़ा जाए यही प्रोसेस रिडिंगटा टी स्लो हो जाए। तापर देखा एक्सटेनसीव रिडिंग तो एग्जाम्पल गुड़ाक मन रख एक्सटेनसीव रिडिंग कौन ना देखो आम इंटेनसीव रोलटा होती एक्सटेनसीव तो सीटा पूरा डीपली आम पूरा सीरीयस होकर पढ़ी था कितु एथे कौन होता है ना आम एमती खामिखाली भाव में पढ़ी था आमर इच्छा अनुसार आम पढ़ी था आमर इंटरेस्ट जिते हम आम से पढ़ी था तो से गुड़ाक कौन स्टोरी मैगजीन स्टोरी आम के पूरा जो आम फ्री था जो आम इच्छा हुए आम पढ़ी था आई जो स्टोरी को आम पढ़ी था पूरा डीपली पूरा कौन सी जिनस एग्जाम लिखला भाया पढ़ी न था तो सीटा हूँ एक्सटेनसीव रिडिंग। एक्सटेनसीव रिडिंग को कहुए कौन रिडिंग फर फ्लुएंसी फ्लुएंसी बढ़ेवाई आम एक्सटेनसीव रिडिंग कर तो से कहुची रिडिंग फर फ्लुएंसी आउ इंटेनसीव रिडिंग को कौन कह जाए ना रिडिंग फर एक्यूरेसी जेहेतु आम एक्यूरेट जिनस जानापी किसी नॉलेज गेन करने आम अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेवाई आम रीड करें रिडिंग फर एक्यूरेसी इंटेनसीव रिडिंग को किंतु एक्सटेनसीव रिडिंग को आम कही था रिडिंग फर फ्लुएंसी तो चार्टा सारा जिनस क्लीयर है कि ना यहाँ निहाती भाव में जरूरी से मुझे समय नहीं कि आपको बुझाऊँ तुम्हें जदि माइंड जिन न रख तो एग्जाम तुम भूल होते कही स्किमिंगटा हूँ केवल आम जिस्ट जाना तार मेन आईडिया आम एक्सट्राक्ट करवा कौन लेखा जा स्कैनिंगटा कौन ना आम कौन जिनस को मैंने पीस ऑफ इनफॉरमेशन को आम सर्च करवा इंटेनसीव रीडिंग होची डीपली पढ़ा एक्सटेनसीव रीडिंग होची आमर इंटरेस्ट अनुसार एंजॉयमेंट पाई एंटरटेनमेंट पाई आम कौन जिनस को पढ़ी। तो नेक्स्ट आम देखा टेक्निक फॉर टीचिंग रीडिंग इंग्लिश टू आवर यंग लर्नर्स तो पिला भितर केमती रीडिंग स्किलटा डेवलप हो पार टीचर कौ कौ एक्टिविटीज व्यवहार करेंगे कौ टेक्निक यूज करेंगे से सब विषय में ब्रीफली डिस्कसन करवा। तो देख रीडिंग पिक्चर विदाउट वर्ड्स आम कौन वर्ड कहना ना आ पा पिक्चर रीड करने कहटा केमती जोटा कि आम कही सेडो रीडिंग मन रख जोटा को आम कही सेडो रीडिंग तो एग्जांपल दूची देखो आमे गोटे आंब चित्रटे करदेलु चार्ट्रे तो पिला कह कौन तुम्हें कह तो पिला कौन कह मैंगो
बुझेगा। तो पिला जो कहला एटा तार सी उच्चारण कला तार रीडिंग कैपासीटी आस्ते आस्ते बढ़िया पूरा डायरेक्ट तो पिला सान बेले सेंटेन्स कहीदेवनी तो यहाँ तार प्राइमरी स्टेज तो से मैंगो बोली कह तो यहाँ हूँ रीडिंग पिक्चर विदाउट वार्ड आम वार्ड देलुना पिक्चर को देखिकी सी रीड कला से जापारा उच्चारण करा तो नेक्स्ट आम देखा रिकग्निशन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट थ्रू पिक्चर रीडिंग तो ये आम देखिलु रीडिंग पिक्चर विदाउट वार्ड रे जोटा कि आमर शेडो रीडिंग से कौन सी वार्ड आम मेनसन कर किंतु रिकग्निशन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट थ्रू पिक्चर रीडिंग रे कौन होता है ना आम आंब चित्रा देखू कि धर एम आम लिखिदेलु ए जगह आम गैप देदेलु एन जगह आम लिखिदेलु जी जगार गेप देदेल ये भाया है तो यह सब जिन गुड़ाक सी फिलअप कर जोर कह से आईडिया लगे ये कौ चित्र जदि चित्र से आईडिया न लगे पाला लेटर रू आईडिया लगे जहाँ फिर कि से गैप गुड़ाक फिलअप करपर कह तो यही सब एक्टिविट गुड़ाक आम प्राइमरी स्टेज रे पिला कराइबा। नेक्स्ट आम देखा रीडिंग वर्ड्स विदाउट पिक्चर ये पिक्चर आम दबा ना आम केवल मैंगो एप्पल बनाना गुआभा एमती डायरेक्ट आम लिखा तापरे रीडिंग फ्रेजेस फ्रेजेस एंड सेंटेंस तो फ्रेज माने वाक्यांश को आम पढ़ा शिखेबा पिला मानन को और सेंटेंस से माने केमती पढ़ी परबा आस्ते आस्ते से जिनस आम करबा। तो आगे से माने कौन कले ना चित्र देखिकी कहिले तापरे चित्र देखिकी गैप गुड़ाक जो अल्फाबेट से माने आइडेंटिफाई करि पाले बा कहिले तापरे विदाउट पिक्चर से माने लेटर को बस वर्ड को रीड कले तापरे फ्रेज गुड़ाक पढ़े सेंटेंस पढ़े लास्टली से पूरा पूरी टेक्सटा को पढ़े तो यही टेक्निक रे आम पिला भितर रीडिंग स्किलटा को डेवलप कराई पार प्राइमरी स्टेज रे तो भल भाव आपको मन रखर लास्टली आम कौन करवा जोबले से कम्प्लीट टेक्सट पढ़ी सारे से आम एक्सपीरियंसिंग बुक मानने एनवायरमेंट रिलेटेड कौन डेली लाइफ रिलेटेड किसी बुक बासबू जिनस दबा जोफल कि इंटरेस्ट हम पढ़ापाई बुझेगा। तो नेक्स्ट आम देखा फोर बेसिक मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग चारिटा आमर बेसिक मेथड रही जहाँ द्वारा कि पिला रीडिंग करा जाए माने रीडिंग स्किलटा पिला भितर डेवलप करा जाए तो कौन कौन मेथड रही द फोनिक मेथड द वर्ड मेथड द सेंटेंस मेथड एंड द स्टोरी मेथड तो भल भाव आपको मन रखे क्वेश्चन आसे द फोनिक मेथड द वर्ड मेथड द सेंटेंस मेथड एंड द स्टोरी मेथड तो ब्रीफली टी डिस्कशन कर नवा फोनिक मेथड रे कौन है था है ना यहाँ यही मेथडटा बेस होता है क्या मैंने मेथड रे कौन है था ना प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेटर रिलेशनशिप थाए साउंड लेटर रिलेशनशिप जमीक प्राइमरी स्टेज रे आम पिला कौन पढ़े था जोड़ा कि पिलांकर मान इंटरेस्ट बढ़े थाए जमी कैट मेट रेट हेट एमती आम पढ़े था जोटा कि मानने उच्चारण करने भल लगी था पेन हेन डेन बुझेगा। तो एका स्वर उच्चारण होमती एका आवाज मैंने बाहर थो तो से भाया वार्ड गुड़ाक आम शिखे था जोटा कि आम कही था राइम वार्ड बोली तो से लेटर गुड़ाक वार्ड गुड़ाक आम पिला शिखे था जहाँफल कि उच्चारण करपासीटा को बढ़ी थाए फोनिक मेथड मानने भल भाव स्पेलींग करें भल भाव उच्चारण करें सिमिलारिटी साउंड थी जो वर्ड गुड़ाक से वर्ड गुड़ाक उच्चारण करने दबा एति की मन रख फोनिक मेथड रे कौन होता है ना फोनिक मेथडटा हूँ गोटे प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेटर रिलेशनशिप तो एथिरे आमे जो सिमिलारिटी जो साउंड रोची से ही वर्ड गुड़ाक पिला स्पेलींग मानने उच्चारण करने था जहाँफल कि पिलार प्रोनाउनसीएसन ठीक होता है पिलार इंटरेस्ट बढ़ी था सब मानने वर्ड गुड़ाक जानापी जमती कि एग्जाम्पल कैट मेट रेट बी सी फी बुझेगा। तो यही एग्जाम्पल गुड़ाक मन रखीद तुम मन रही। नेक्स्ट देखिए आम वार्ड मेथड वार्ड मेथड रे कौन होता है ना आम वार्ड पढ़ा पिला था कि वार्ड पाने जानवे कि वार्ड से पढ़ीपारे तो यही मेथड रे कौन होता है ना वार्ड गुड़ाक पूरा पूरी कम्प्लीट कम्प्लीट थी मानने जमीक आम कहीदे कैट मेट रेट एमती कहीदे कि पिला से किसी बुझी पार ना मैंने से बुझार कैपासीटी तार डेवलप हो न केवल तार उच्चारण करने से भल भाव आम फोनिक मेथड यूज करार्ड मेथड रे पिला बुझी पार वार्ड रे कौन बुझी पार वार्ड गुड़ाक उच्चारण करमती आम गोटे धर गोटे गेम आम पा मानक खेल जमीक गोटे ऑब्जेक्ट आम देदेबा तार ना कौन पिला लिखे बा पिला माने कहिबे
जमीक आम चित्र देखु एपुल देखे दूचु तो से कौन बोली कहे वार्ड टाक कहले डायरेक्ट ताक से चिन्ही जानते से वार्ड टाक डायरेक्ट कहले रेकग्नइज कर पार्थे ये जिनसा कौन आर मैंने कौन लेटर को रेकग्नइज कर पार्थे बुझेगा जमीक आम कही धर एपुल जगार किसी गैप आम देखीद गोटे गोटे लेटर से फिलअप करेंगे तो रेकग्नइज करेंगे ना तो यहाँ हूँ वार्ड मेथड वार्ड को से कहे रेकग्नइज करें बुझीपारे तो नेक्स्ट आम देखा सेंटेंस मेथड ये सब जिन सरला वार्ड मेथड तापर आम सेंटेंस मेथड को आसवा सेंटेंस मेथड कौन ना पाने सेंटेंस को पढ़ी पारे से उच्चारण भल भाव करें सेंटेंस आम छोट छोट सिंपल सेंटेंस पिला दबा आ पढ़ाप कह जोटा कि आगर कि वार्ड को जाणी ये जिनसा हो पार जदि वार्ड से जाणी नए तो कमी सेंटेंस को पढ़ी पारे पढ़ी पारे ना तो वार्ड किसी जानवे तापर सेंटेंस मेथड तर डेवलप हे सेंटेंस से पढ़ी पारे धर गोटे एग्जांपल तुमको दौजी मैंने छोट छोट सेंटेंस धर घर गोटे चित्र आम देखा घर तले लिखी थी दिस इज ए हाउस तो डायरेक्ट से पढ़ले दिस इज ए हाउस पढ़ले तो पूर्व वार्ड से जानवा दरकार हाउस जानवा दरकार इज जानवा दरकार दिस जानवा दरकार तापर जाए सेंटेन्सटा करेंगे दिस इज ए फ्रूट दिस इज ए टेबुल दिस इज ए कार ये सब जिन गुड़ाक जो आम कौ छोट छोट पा एगुड़ा सब जो सेंटेंस शिखा जाए तो यहाँ सेंटेंस मेथड्रे आम पिला शिखा सेंटेंस मेथड केत आसना जो आम फोनिक मेथड यूज कर सारा वार्ड मेथड यूज कर सारे आम सेंटेंस मेथड को आसवा तो नेक्स्ट आम देखा स्टोरी मेथड स्टोरी मेथड रे कौन होता है ना पिला जो सेंटेंस शिखी जाती पढ़ा तो पिला कह जाए स्टोरी से पढ़े आउ टीचर माने किसी स्टोरी पढ़ी शुणेबे टीचर पढ़ा द्वारा कौन होता है ना पिला माने ताकु फॉलो करती तो आर प्रोनाउंसिएशन या टीचर या उच्चारण कर तो से सब जिन गुड़ाक पिला जापारती टीचर ताकु पढ़ी जिते शुणा तो पिला फॉलो करती से स्टोरी मेथडटा निहा इम्पोर्टेंट जदि कौटी पिलार भूल रही जाऊँगी उच्चारण करें पढ़वें तो सही तार रेक्टिफाई होपर टीचर कौन करेंगे ना जो स्टोरी मुझे पढ़ेली शुणेली तुम्हें काली आसिक मत कह तो सी कह पा तो से किसी डेवलप हे तो यही रीडिंग स्किलटा पिलार डेवलप होता है मैंने कह मैंने कौन पूरा डायरेक्ट बही बंद कर पिला कहीपर ना सी पढ़ी ही शुणेब तो रीडिंग स्किलटा डेवलप है तापर आम देखा हाउ टू डेवलप द रीडिंग हैबिट पिला भितर केमती डेवलप हे प्लानिंग रीडिंग फॉर द होल ईयर आम प्लान करवा पिला केमती वर्ष सारा किसी पढ़ू किसी जी न पढ़ खाली शुणब कह तेज रीडिंग हैबिट तार डेवलप हम ना तो किसी किसी सी जमी पढ़व ताको आम पढ़ा दबा किसी जदि आम पढ़ेदेलु कह घर दि पेज पढ़ी आसब बुझेगा तो ये आम प्लान करवा फाइंडिंग ए क्वाइट कर्नर तो गोटे शांत परेश पा के पढ़व जमीक लाइब्रेरी रही तो से सब जिन आम डेवलप कराइबा स्कूल तापर देख फर्निशिंग ए रीडिंग कर्नर रीडिंग कर्नर गोटे करवा जो थी पिला मिसिकी पढ़ी पारे एका बसिक पढ़ी पारे किसी मेटेरियाल आम रखिपर सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल रीडिंग मेटेरियाल जोटा इम्पोर्टेंट किसी से नॉलेज पाई सहित इंटरेस्ट बढ़े जो मेटेरियाल मैंने जो बही रे तो से सब बही आम जगेद सेटिंग एसाइड समटाइम्स तो बाहर से बाहर को जाते किसी टाइम से बाहर करवा दरकार जमीक किसी पढ़ी पारे जमी आम जाऊँ कड़े बुलाक पार्क जाऊँ बुलाक डेली जाऊँ तो से एंटरटेन तो करवा सहित किसी जब आम पढ़ीदेलु दि पेज आम पढ़ी आसवा बसिक तो ये सब जिन डेवलप कराया कहीं जो एनवायरमेंट रही नेचुरल परेश पढ़वार इंटरेस्ट अधिक रही है डिस्प्ले द रीडिंग मटेरियल पिला देखा जोड़ा इंटरेस्ट हे पढ़े विभिन्न प्रकार बही आम देखा विभिन्न प्रकार चित्र देखा जहाँ इंटरेस्ट हे से पढ़े चिल्ड्रेन्स चॉइस बुक पिला चॉइस बुक पढ़ाक दबा एक्सपीरियंसिंग बुक से डेली लाइफ में कौन करुँचा एनवायरमेंट फैमिली में जहाँ होब जिन लिंक करी आम बही दबा जहाँ कि इंटरेस्ट हम अधिक बढ़ापी इंटरेक्टिंग विद द रीडर जी पढ़ुची पिला जो पढ़ुंट टीचर काम कौन ना सहित इंटराक्ट करा कौन पढ़लु कौन से विषय जानलु के पढ़ीचु यह सब जिन गुड़ाक आम तार थीम कौन एसब जिन पिला सहित आम इंटराक्ट करा जहाँ फिर कि तार इंटरेस्ट हे टीचर तो पचारूँ टीचर इनवल्व होती तो मुझे भलि पढ़े बुझीपार तो यू जिन गुड़ाक आम करवा डिसाइडिंग द नेक्स्ट सेसन एक्टिविटी तापर यह सब जिन कर सारापर आम परवर्ती एक्टिविटीज को आम जा परवर्ती एक्टिविटीज मैंने पिला भितर आउ कौन लाकुना रही जाए कौन डिफिकल्टी पिला फेस करें
क्लीयर करवा खोजिकी ताको समाधान करवा बुझीगला। तो यही जदि प्रोसेस रे आमे करूचु तो पिला होतरे गोटे रीडिंग हैबिट पिलार डेवलप हो जिबो। तो आगे आगे भल भाव पढ़ी नब तो अनेक गुड़े जिनस रही रीडिंग स्किल डेवलप करने डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल जो आम पढ़िलु यहाँ सब लेंथी क्लास हे आईटा सब इम्पोर्टेंट रो तो भल भाव पढ़व बुझे आम पढ़िलु जो स्ट्राटेजी कौन रही भल भाव देखिए रीडिंग स्ट्राटेजी कौन रही कौ मेथड पिला पढ़ा जाऊँगी। तो मुझे आउ थे टी समरी करदे मे भी तुम्हें कन्फ्यूज हो तो देख फास्ट टू लास्ट आम देखी ना कौन कौन आम पढ़िलु। तो देख आमर डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल किसी इंट्रोडक्शन थिला जमती कि आम लांगुएज सह कंटाक्ट आसी था लिसनिंग आउ रीडिंग द्वारा आउ किंतु लांगुएज को आम यूज कर स्पीकिंग आउ राइटिंग द्वारा तो से सब जिन गुड़ा मन रखे ये छोट छोट जिन कि मन रखा जरूरी आउ रीडिंगटा आमको अधिक एक्सपोजर दे था अधिक आम नलेज ए गेन कर लांगुएज स्किल जो रीडिंग स्किलटा जो रीडिंग लांगुएज स्किलटा तो से आम कौन कौन होता है ना वोकैबुलरी डेवलप होता है प्रोनाउंसिएशन आम ठीक होता है स्पेलिंग ग्रामर यह सब जिन गुड़ाक आम ठीक होता है तो यह सब जिन गुड़ा मन रखे नेचर ऑफ मीनिंग नेचर एंड मीनिंग ऑफ रीडिंग आम पढ़िलु कौन नेचर रही मीनिंग ऑफ रीडिंग कौन रही माने रीडिंग रो माने कौन केवल जे आम जहाँ ता पढ़ीदे हेनी माने जमीक आम लेटर शिखीचु वार्ड किसी जाचु तो आम डायरेक्ट पढ़ीदे आम तापर आम कह हाँ आम पढ़ी पार्चु तो सेटा पढ़वा नुह जदि आम किसी पढ़ुचु आउ जहाँ पढ़िलु ताको आम बुझी पार्चु तेबे सेटा को आम रीडिंग बोली कहिबा। तो मीनिंग ऑफ रीडिंग तुम्हें जान लो। नेक्स्ट आम देखा ओराल वर्सेस साइलेंट रीडिंग आम पढ़ी तो ओराल जेटा कि आम उच्चारण करके पढ़वा आउ साइलेंट रीडिंग माने मन मन पढ़वा किसी प्रोनाउंसिएशन आम करवा ना मन मन पढ़ा। तो रियल लाइफ रीडिंग होची साइलेंट रीडिंग किंतु प्राइमरी स्टेज रे आम ओराल रीडिंग करथाउ साइलेंट रीडिंग रे कॉम्प्रिहेंशन पिला करथाय माने ओनली बुझी थाए किंतु ओराल रीडिंग रे कोन करथाय प्रोनाउंसिएशन भी होइथाय और कॉम्प्रिहेंशन भी पिलार होइथाय। तो मन रखिबा को ए सब जिन सगडा को रहिथिला आउरी कोन थिला ना देखो पर्पज ऑफ रीडिंग आम देखिथिलु कोन उद्देश्य रहिछि कहीं आम पढ़ा साइलेंट रीडिंग कले कौन हम जेटा कि ऑलरेडी कही सारे आउ लाउड रीडिंग कले कौन हम तापर आम टेक्स्ट कथा देखीलु लाइट टेक्स्ट जो थे कि सिंपल सेंटेंस रे माने थिबो सिंपल सेंटेंस थिबो ता सहित इंटरेस्टिंग लगुव आउ आम वर्ड गुड़ाक ठीक भाव बुझी पार्थवा किंतु हेवी टेक्स्टा तार उल्टा। तो लाइट टेक्स्ट को नॉन डिटेल टेक्स्ट कहुए हेवी टेक्स्ट को डेन्स टेक्स्ट कहुए तो यहाँ टी मन रखे। तापर देख आमर आम पढ़ी बेसिक मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग जोटा कि आम पढ़िलु फोनिक मेथड वार्ड मेथड सेंटेंस मेथड स्टोरी मेथड ये चार्टा को निहाती भाव तुम्हें मन रख। फोनिक मेथड केमी ना जो कैट मेट रेट ये सब जिनस मैंने सिमिलार साउंड थी तो जोटा कि कहली भल भाव मन रख। तो टेक्निक कौन रही रीडिंग इंग्लीश प्राइमेरी लेवल ले। तो सेटा भी मुझे कहली पिक्चर देखिए आम कह पिक्चर दबा किसी डेस्क्रोन फिलअप करने पिला छाड़ीदे जहाँफल से उच्चारण करेंगे सेटा को मैंने वार्डटा को से कहीदे आम पिक्चर देखा ना केवल वार्ड पढ़ेगा सेंटेन्स से पढ़े एक्सपीरियंसिंग बुक्स से पढ़े तो युवा सब रही। स्ट्राटेजी आम पढ़िलु स्कीमिंग स्कानिंग इंटेनसीव रीडिंग एक्सटेनसीव रीडिंग जोटा कि मोस्ट इंपोर्टां जिनस तो अनेक गुड़े जिनस आम ये पढ़िलु। तो भल भाव टी भिड को देखने वो जदि किसी डाउट रोचे तेज कमेंट सेसन में जनइब। तो नेक्स्ट आम देखा राइटिंग स्किल। थैंक यू।